राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को चकरा अव्वल अमृतानी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1 किलो 150 ग्राम यूरिया व 900 ग्राम नौसादर बरामद हुआ है, जिसकी पहचान उमाशंकर गौड़ पुत्र रमेश चंद्र गौड़ निवासी ग्राम नगवा थाना गीडा के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल गोरख सिंह, देवेंद्र यादव, अंकित बिंद, रवि कुमार, अरविंद कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कौन जी? अच्छा आओ दे। राजघाट पुलिस द्वारा एक व्यक्ति देखिए आज ये कार्रवाई की गई है। इसमें सीओ कोतवाली और इंस्पेक्टर राजघाट और चौकी प्रभारी अनूप मिश्रा, ये तीन लोगों ने मिलकर करी है और पूरी टीम है। इसमें 7 लोगों की टीम लगी थी जो उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 200 लीटर अवैध कच्ची अप्रशी शराब, 1.150 ग्राम यूरिया व 900 ग्राम नौसादर, इसके साथ अभियुक्त उमाशंकर गौड़ पुत्र रमेश चंद्र गौड़ निवासी ग्राम नगवा थाना गीडा को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 293/21, धारा 272, 62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है और आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।